इमेज गुम्मद घिजरा का इमेज बना के उन्होंने उस इमेज के ऊपर मिसाइल से फायर करते हुए ब्लास्ट करता हुआ बताया गया। वैसे तो पूरे देश को पता है कि सुदर्शन टीवी न्यूज चैनल किस तरह दो समाजों में दरार पैदा करने की कोशिशों में लगा रहता है, जिसके चलते चैनल के एंकर सुरेश चौहान के पर कई शहरों में मामले दर्ज हुए हैं। वह इस बार तो सुदर्शन चैनल के एंकर सुरेश चौहान के ने हद ही कर दी, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँची है। वह महाराष्ट्र के जलगांव जिले के भुसावल तहसील में जुनेद अशरफ खान एवं रऊफ ठेकेदार ने उपविभागीय पुलिस अधिकारी कृष्णांत पिंगले को एक FIR देकर कहा कि सुदर्शन चैनल के एंकर सुरेश चौहान के द्वारा 14 अक्टूबर को 56 मिनट 50 सेकंड की एक डिबेट लाइव प्रसारित कर उस लाइव की हेडिंग है इसलिए इसराइल का भारत ने साथ देना ही चाहिए, हिंदू यहूदी संबंधों की गाथा बिंदास बोल है। और इस डिबेट में सुंदर दिलीपन, DK डुबे, डॉक्टर आशीष कुलकर्णी, OP गुप्ता शामिल हुए हैं और बताया कि इस 56 मिनट की लाइव डिबेट में 23 मिनट 15 सेकंड पर और 26 मिनट 43 सेकंड पर इस चैनल पर गुम्बदे खजरा पर एनिमेशन के जरिए मिसाइल गिराकर उसे तोड़ा गया, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके लिए उन्होंने मांग की है कि जल्द ही इस चैनल के एंकर सुरेश चौहान के पर मामला दर्ज कर इस चैनल को बैन किया जाए। इस समय मुस्लिम मंच के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज 18/10/2023 को हम SDPO ऑफिस भुसावल के अंदर सुदर्शन न्यूज़ चैनल के खिलाफ उसके न्यूज़ मालक का नाम है, इसका नाम है सुरेश चौहान के, इन्होंने 14 तारीख के दिन 8:24 पे एक शो टेलीकास्ट किया गया था। वो शो का नाम था बिंदास बोल। उस शो के अंदर क्या हुआ, क्या कुछ डिबेट वगैरह चल रहा था हमास और इसराइल के बारे में, और कुछ साथ देने का सिलसिला चल रहा था कि इसको साथ देंगे, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, एक डिबेट था, ठीक था। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ कि एक लोगों ने एक इमेज गुम्मद घिजरा का इमेज बना के उन्होंने उस इमेज के ऊपर मिसाइल से फायर करते हुए ब्लास्ट करता हुआ बताया गया। तो उस वीडियो के खिलाफ में हम डिप्यूटी ऑफिस में आज कंप्लेंट दाखिल किए, सर से मांग की है कि उन तीनों चारों डेबिट में जो लोग बैठे थे और जो सुरेश चौहान है उसके खिलाफ भी FIR दाखिल हो, ऐसी हमारी सभी की मांग थी। तो इस सिलसिले में हमने डिप्यूटी ऑफिस में ये कंप्लेंट देके आ चुके हैं। ये जो प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम था, क्या जो है न्यूज चलाई जा रही थी, सुदर्शन न्यूज चैनल का लाइव प्रोग्राम था। 14 तारीख के दिन रात 8 से प्रोग्राम शुरू हुआ था डायरेक्ट हल्ला बोल करके, और अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है ये चैनल, इसकी लिंक भी मौजूद है। 8:24 पे गुम्मद खिजरा के ऊपर मिसाइल मार के ब्लास्ट करते हुए बताया गया, कुछ सेकंड के लिए बताया गया, लेकिन इन लोगों की लड़ाई के अंदर गुम्मद खिजरा के ऊपर ब्लास्टिंग करना ये नाजायज है और इसके खिलाफ हम इसका विरोध करते हैं और चैनल को बैन होना चाहिए, ऐसी हमारी सभी की मांग है। ये निवेदन किसकी जानिब से दिया गया? ये निवेदन नहीं है, FIR हमने मेरे नाम से और रोप भाई के नाम से दाखिल किया, क्योंकि FIR दाखिल करने के लिए मिनिमम लोग लगते हैं, बाकी हमारे साथ में सभी मुस्लिम मंच के पदाधिकारी हम सब मौजूद है, हम मुस्लिम मंच, एहतिशाम भाई, हम सभी साथ में मिलके हमने इसको अंजाम दिया है।